उत्तर भारत से लेकर दक्षिण राज्यों तक मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जाहिर कर दिया है। मौसम विभाग की अगर माने तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम में भी भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। और उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। सामने आए वीडियो में पहाड़ किसी ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर गिरता हुआ दिखाई दिया। जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा, चारों तरफ सिर्फ उसी का शोर सुनाई दिया। चंद सेकंड के अंदर पहाड़ किसी मिट्टी के घर की तरह टूट कर बिखर गया, जिसके बाद आसपास धूल का गुबार उठता रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा, उधर से कोई गुजर नहीं रहा था, क्योंकि पहाड़ टूटने से पहले प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को रोक दिया था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां के 8 जिलों पर अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग ने वहां बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में मुरैना, दमोह, पन्ना, विदिशा समेत 8 जिले शामिल हैं, जहां अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई गांव बाढ़ के पानी से गिर गए, जिसके बाद प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और गांव वालों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, जिसकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें एनडीआरएफ के जवान नाव के जरिए गाँव के लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाते दिखे। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से गाँव के लोग वहाँ फंस गए थे। वहाँ से आई तस्वीर में नदी का पानी तेज रफ्तार से बहता दिखा, जिससे लोगों की सांसें अटक गई। बाढ़ बचाव की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूब गए और कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया, जिसके बाद एहतियातन प्रशासन ने रेस्क्यू टीम भेज दी। वही मध्य प्रदेश के सिवनी में हुई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई की हर तरफ सैलाब ही दिखा, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार ताकतवर लहरों के बीच फंसा नजर आया। और सिवनी से जो वीडियो सामने आया, उसमें एक मोटरसाइकिल सवार उफनते सैलाब के बीच अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ता दिखाई दिया, क्योंकि बाढ़ में डूबे पुल को पार करते वक्त वो वहां फंस गया। इस दौरान खौफनाक लहरें उसे बाहर ले जाने पर आमादा दिखी, लेकिन वो भी अपनी मोटरसाइकिल को पकड़कर ताकतवर लहरों को चुनौती देता नजर आया। इस बीच वहां आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उसे पानी की तेज धार से बाहर खींच लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हालांकि उसने भी हार नहीं मानी और काफी देर तक अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा, जबकि कुछ देर बाद वो अपनी मोटरसाइकिल को छोड़कर किसी तरह सैलाब से बाहर आ गया, जिससे उसकी जान बच गई। मध्य प्रदेश के मंडला में भी तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी की लहरें डराने लगी। वहां ड्रोन कैमरे के जरिए उफनती नर्मदा नदी की ली गई कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें खौफनाक मंजर नजर आया। और सामने आई एक तस्वीर में नर्मदा नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे नर्मदा नदी की लहरें वहां बने पुल को अपने साथ बहा ले जाएंगी, जबकि उफनती नदी के ऊपर बने उस पुल पर कई गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आई। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी में उफान आ गया। वहां ड्रोन के जरिए ली गई कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें नर्मदा नदी किसी समंदर में बदली नजर आई और दूर तक सिर्फ खौफ से भर देने वाली लहरों का कब्जा देखा। वहीं मौसम विभाग ने वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि नर्मदा नदी पहले से ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मूसलाधार बारिश और नर्मदा नदी में आए उफान ने मंडला जिले के ज्यादातर इलाकों की सूरत बदल कर रख दी, जिसके बाद वहां प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहां मटियारी बांध के गेट खोल दिए गए और मटियारी बांध से छोड़ा गया पानी 12 से ज्यादा गांव में घुस गया। मंडला में भारी बारिश और बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ सिर्फ उफनते सैलाब का कब्जा दिखाई दिया। वहां से सामने आए वीडियो ने इस बात की गवाही दे दी, क्योंकि वहां सड़कों पर दरिया बहता नजर आया, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गई। ऐसा लगा जैसे पानी की ताकत पर लहरें सड़क के किनारे बनी दीवारों को तोड़ डालेंगी और सब कुछ बहा ले जाएंगी। वहीं दूसरे वीडियो में लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा दिखा, जबकि सैलाब में डूबी सड़क पर लोग चलते नजर आए, जिनके घुटनों के ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। यही वजह रही कि खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया। और उधर मध्य प्रदेश के मंडला से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद आए सैलाब के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए दिखाई दिए। वहां पिछले कुछ रोज से लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नालों में उफान आ चुका है और सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां से बहने लगी हो। जोरदार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। और इस बीच वहां से एक वीडियो सामने आया, जिसमें बंजर पुल में पानी कम होते ही लोग वहां लकड़ी बीनते हुए दिखाई दिए। पुल पर करीब 2 फीट तक पानी होने के बावजूद लोग लकड़ी बीनते हुए दिखे। बुजुर्ग और महिलाएं सभी लकड़ी ले जाते हुए दिखे।
इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी नर्मदा और दूसरी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिससे जबलपुर से मंडला जाने वाले पुल पर खतरा मंडरा रहा है और बताया गया कि उस पुल से कुछ ही फीट नीचे पानी बह रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने नर्मदा नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दे दिए, क्योंकि नर्मदा नदी में आए उफान की वजह से वहां जबलपुर में ग्वारी घाट के किनारे सभी दुकानें डूबी नजर आई, जबकि नर्मदा मंदिर की सीढ़ियों पर भी पानी ने कब्जा जमा लिया और वहां दूर तक सिर्फ सैलाब ही दिखाई दिया। लेकिन नर्मदा नदी का पानी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, क्योंकि वहां बरगी बांध के गेट खोल दिए गए, जिससे 30 से 36 मीटर तक जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। नर्मदा नदी के अलावा वहां गौर, हिरन और परियट नदी में आई बाढ़ भी लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। यही वजह रही कि प्रशासन ने नदी के किनारों से लोगों को दूर ही रहने की चेतावनी दी। उत्तराखंड में बरसी आफत ने पहाड़ पर सैलाब ला दिया। वहां बागेश्वर से आए एक वीडियो में बरसाती नालों में ऐसा उफान आया कि कई गाड़ियां उसमें फंस गई, क्योंकि जैसे ही उन गाड़ियों के ड्राइवरों ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की, गाड़ियां वहां जाकर अटक गई। उफान मारते पानी को पार करने की कोशिश करना उन्हें इतना भारी पड़ा कि उन कारों में बैठे लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद उसमें मौजूद लोगों को गाड़ियों से उतार दिया गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक के बाद एक कई कारें वहां आकर अटकती चली गई और धीरे धीरे इतना पानी बढ़ गया कि उन कारों के पूरे टायर पानी में डूब गए, जिसके बाद पानी में फंसी गाड़ियों को दूसरी गाड़ियों की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। और इसी तरह की तबाही का एक और डरावना वीडियो आया उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से हाईवे के किनारे मौजूद कई दुकानें एक झटके में तबाह हो गईं, जिसके बाद करीब 10 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। रुद्रप्रयाग में हुए इस भीषण हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर पहाड़ का मलबा कब्जा जमा दिखाई दिया। बताया गया कि जब यह हादसा हुआ तब उन दुकानों में कुछ लोग मौजूद थे जो मलबे के रेले के साथ बह गए, हालांकि उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। केदारनाथ हाईवे पर गौरी कुंड के करीब हुए इस हादसे के बाद सड़क पूरी तरह जाम हो गई, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से वहां मौजूद मलबे ने पूरे रास्ते को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए। लगातार पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया, क्योंकि नेशनल हाईवे पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थरों का गिरना घंटों तक जारी रहा, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम जमीन खोदने वाली मशीन के साथ वहां पहुंच गई, जिसके बाद पहाड़ का मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन सड़क से मलबा हटाना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिरते रहे। कई घंटों की मेहनत के बाद नेशनल हाईवे से पहाड़ से गिरे पत्थरों को हटाया गया। इसके बाद सड़क को दोबारा खोला गया। और उधर मध्य प्रदेश के उमरिया में 3 दिन से हो रही बारिश ने पूरे शहर में पानी पानी कर दिया है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के बाद नदी नाले भी उफान पर आ चुके हैं और सड़कों पर दरिया बहने लगा। निचले इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब गए, जिसे देखकर लगा मानो वहां समंदर घुस आया हो, जिसमें कई गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दी। सड़क पर इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके तेज बहाव में वहां खड़ी भारी भरकम गाड़ियां भी पूरी तरीके से जाम पड़ गई। वहां पानी के बीच फंसे लोग कमर तक पानी में उतरकर रास्ता पार करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि सड़कों पर आया सैलाब आने जाने वालों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करता हुआ दिखा।